ब्रेड ऑफिशियल डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं एक टॉपिक ऐसा लेके आई हूँ जो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मैं लाइन शुरू करने वाली हूँ एक, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस लाइन से शुरू करके मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि आज मैं सबसे बड़ा टॉपिक पहले बता देती हूँ, स्वाहा नवोदय विद्यालय, इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। ये क्यों इम्पोर्टेंस है, ये क्यों है और क्या इसके काम है इम्पोर्टेंस, और बच्चों के लिए किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए। पहली बात मैं ये बोलने वाली हूँ कि मैंने ये देखा है हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छा शिक्षा ले, अच्छा स्कूल। वो हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर आपको एक अच्छी शिक्षा देने वाला स्कूल होगा जो आपको अच्छी शिक्षा देकर आपके बच्चों का एक भविष्य उज्ज्वल करेगा। अगर आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होगा, हर एक पेरेंट्स की कामना होती है। तो इसी बात को लेकर आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ और जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। इसकी स्थापना 1986 से हुई थी और आज अगर हम करंटली देखें तो ऐसे हमारे पास कुल 661 विद्यालय हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है तो दो भी हो सकते हैं, पर आपको हर एक जिले में ऐसे स्कूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में इसकी बात करूं, तो मुझे सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपको सारे पैनल्स को सुन के खुशी भी होगी, एक डाउट भी हो जाता है, क्योंकि ये देता है आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़, फ्री फूड। तो ऐसा क्यों भाई कि जब इतना अच्छा स्कूल है, इतनी अच्छी सब कुछ, आप गवर्नमेंट इतना अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसा क्या है कि ऐसी कौन सी कमी है जो फी दी, क्योंकि फ्री की ना कोई वैल्यू नहीं करता है, ये आपने हर जगह देखा होगा। तो फ्री में ऐसा आ जाता है, डाउट आ जाता है कि पता नहीं हम अपने बच्चे का भविष्य कहीं गलत जगह तो नहीं डाल रहे हैं, पर ऐसा डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे हाई क्वालिटी एजुकेशन के बनाए गए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य एकदम उज्ज्वल करेंगे। तो इसी में लेके डाउट में मत रहिए, आप बस ये कहिए कि इसके एडमिशन्स, मैं पहले इसकी क्वालिटीज़ बताना चाहूँगी। क्वालिटीज़ ये हैं कि अगर आपने, आपके बच्चे ने अगर इसका एंट्री एग्जाम्स क्लियर कर लिया तो आपके बच्चे को एक 6 से लेकर 8 तक फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपको एजुकेशन ही दे रहा है गवर्नमेंट, आपको एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती है जैसे डिफरेंट स्कूल्स में होती है, वैसे ही सब कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन फी, इसकी फ्री फी क्यों इतनी मतलब कम है या फिर फ्री है, उसका रीज़न बताती हूँ। हमारे देश में आज भी ना ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो टैलेंटेड बहुत है, ब्राइट बहुत है, लेकिन फिर भी वो कहीं पीछे रह जाते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स इतना अर्न नहीं करते या तो फिर इतना अच्छा स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारे ही जो हमारी सरकार ने इस बारे में सोचा कि ऐसे बच्चे जो इतने ब्राइट तो हैं, इतने टैलेंटेड हैं, तो उनका क्या। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि 75% जो बच्चे होते हैं ना वो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है। तो उनके भविष्य के लिए कौन सोचेगा, वो हमारी सरकार सोचेगी, क्योंकि वो बच्चे इतने टैलेंटेड है लेकिन उनका अगर टैलेंट यूज़ नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा होता है 6 से लेकर 8 तक सारे कुछ, अगर आपके बच्चे ने वो एंट्री एग्जाम्स क्लियर कर लिया तो उसको सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे फ्री में एजुकेशन हो, फ्री में हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो या फ्री फूड हो। और टॉप के स्कूल्स में ही आते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही अच्छी होती है। एजुकेशन के साथ साथ आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो लेकर आपकी किसी भी कला में हो, म्यूजिक में हो, हर तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। और हाँ, बेस्ट से बेस्ट टीचर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और बेस्ट से बेस्ट टीचर्स होते हैं हर चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे म्यूजिक के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि फ्री क्यों दिया जा रहा है। फ्री इसलिए है क्योंकि वो बच्चे वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, अगर बच्चा डिजर्विंग होगा तो वो कैंडिडेट ज़रूर बनेगा। तो उसके लिए यही है कि आप ये सब चीज़ें छोड़ के अपने बच्चों के एडमिशन के लिए इसमें आप तैयारी करवा सकते हैं, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके बैचेस स्टार्ट हो गए। और हाँ, अभी रिसेंट को नोटिफिकेशन आए 11th क्लास के लिए, नोटिफिकेशन आए हुए हैं और फॉर्म निकले हुए हैं ऑनलाइन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। 11th क्लास के बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं, एंट्री एग्जाम दे सकते हैं, पर हाँ, बच्चा टैलेंटेड होना चाहिए क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम ज़रूर लेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आप सब कुछ इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो इसमें 3 तरह की एलिजिबिलिटी होती है, 6th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास। 6th क्लास में 80% आपको सीट्स होती हैं, ठीक है। एडमिशन जो मेनली होते हैं वो 6th क्लास में होते हैं बच्चों, और उसमें ये होता है कि अगर आपके, अगर किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया किसी रीज़न वाइज, तो 9th क्लास में भी आप दोबारा आवेदन दे सकते हैं और आपके एडमिशन हो सकते हैं। और 11th क्लास में भी एंट्री एग्जाम्स होते हैं, और बाद 10th क्लास की मेरिट लिस्ट भी लगती है, जैसे आपके 10th क्लास में जो मार्क्स आए हैं वो भी आपके उसमें लगते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका नाम जल्दी आ जाएगा उसमें, लिस्ट हो जाएगा।
तो ये सब चीजें हैं। और बाकी ये है कि अब इसमें क्वालिटी जो बच्चे की जो निखार होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर देगा, आपके बच्चे की, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसे बना देगा कि वो एकदम अलग लगेगा कि वो एक नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा है। होते ना कि हमारे टॉप जो स्कूल्स होते हैं वो यही है, पहला नंबर में आता है हमारे नवोदय विद्यालय, क्योंकि उसकी जो हमेशा परसेंटेज बच्चों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो परसेंटेज आती है वो नंबर वन आती है। वो कभी अगर थर्ड तक भी जाएगा लेकिन वो नंबर टॉप थ्री में रहेगा। ठीक है, तो दो तीन स्कूल से हमारे पास नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ये टॉप में आते हैं। अगर आप अपने बच्चे की शिक्षा को लेके कंसर्न करते हैं, जो हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा बने, लाइफ में कुछ अचीव करे, तो ये स्कूल्स बेस्ट हैं। तो इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स दे दी हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह की आपको कोई भी जानकारी लेनी हो और इसके एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि देखिए हम इसके बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बच्चे चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना, तो उसके लिए मेहनत आपको भी करनी होगी, कैंडिडेट्स को भी करनी होगी। तो आप दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें और जो हमारे बैचेस हैं उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू, हर तरह का फुल पैकेज है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो किसी भी तरह की सोचने की जरूरत नहीं है, बच्चों के पढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो तुरंत ही संपर्क करें, इसमें कॉन्टैक्ट करें, बाकी डिटेल्स आपको फुल डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, पंख, अगर पंख आपने हम लगा रहे हैं, उड़ान हम भराएंगे। ठीक है, तो आज से ही एडमिशन के बारे में सोचिए। जय हिंद।